राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान पायलट गुट के विधायकों ने एक बार फिर अपनी नाराजगी को और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को खुलकर दर्शाया है। पायलट गुट के विधायकों के अनुसार पायलट के जन्मदिन पर रोड पर लगे उनके पोस्टर्स को सरकार द्वारा हटाया गया, जिसे लेकर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और विधायक इंदिराज गुर्जर ने मीडिया से बातचीत की। कार्यक्रम के बाद विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, पायलट की लोकप्रियता से विरोधी घबरा गए हैं। सिविल लाइन्स क्षेत्र में पोस्टर और होर्डिंग हटाने के आदेश 3 सितंबर को ही जारी कर दिए गए थे। जन्मदिन से 3 दिन पहले आदेश जारी करना ये दर्शाता है कि विरोधियों में किस कदर घबराहट है। पायलट के जन्मदिन बधाई के जो पोस्टर लगे उन्हें रातों रात हटवा दिया गया। इतना ही नहीं, सोलंकी ने कांग्रेस हाईकमान को पायलट के जन्मदिन पर उनके बारे में एक बार फिर सोच लेने की नसीहत दी। सोलंकी ने कहा, इससे पहले भी इसी जगह बहुत से कांग्रेस नेताओं के पोस्टर लगे थे जिन्हें नहीं हटाया गया, फिर सचिन पायलट के पोस्टर हटाने का क्या मतलब। आलाकमान को पायलट के बारे में एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। पायलट के सबसे करीबी माने जाने वाले विधायक इंदिराज गुर्जर ने उनके जन्मदिन पर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और साथ ही अगले साल प्रदेश में होने वाले चुनावों से पहले कह दिया कि उनके सब्र का बांध टूटने वाला है। विराटनगर विधायक इंदिराज गुर्जर ने कहा कि 21 सीटों पर हमारी पार्टी सिमट गई थी, उस पार्टी को वापस 100 सीटों पर लाने का काम सचिन पायलट ने किया, उससे कितने दिनों तक बैठा कर रखोगे, कहीं ना कहीं सब्र का बांध अब टूटने वाला है। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर को यानी आज है, लेकिन आज से राहुल गांधी कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इसीलिए उनके समर्थकों ने राजधानी जयपुर में कल पायलट का जन्मदिन मनाया। राजनीतिक तौर पर इसे चुनावों से पहले जन्मदिन के बहाने सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2.5 साल पहले सचिन पायलट के बगावती तेवर को सीएम गहलोत और कांग्रेस आलाकमान अभी तक नहीं भूले हैं। ऐसे में सचिन पायलट समर्थकों का सब्र की बांध टूटने की बात कहना कहीं ना कहीं राजनीतिक घमासान के संकेत देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।